तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने वाले हो अनिरुद्ध? नहीं, मैं नहीं आ रही किसी डॉक्टर के पास। लोग क्या कहेंगे? और तुम जानते नहीं क्या, औरतें अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं जाती है। पर तुम जाओगी मिनी। मिनी, लोग क्या कहेंगे ये कब से सोचने लगी तुम? और तुमने पढ़ाई लिखाई जो की है इसके लिए की है क्या मिनी? पढ़ने लिखने का ये मतलब तो नहीं है ना कि पूरे तुलसीपुर के सामने अपनी बीमारी का तमाशा बना दूं मैं? और मुझे बाबा के बारे में भी तो सोचना होगा ना, कितने ताने मारेंगे लोग उन्हें। तुम्हें क्या लगता, मैं ऐसा होने दूंगा? इसीलिए मैंने तुलसीपुर के नहीं बल्कि एक कलकत्ता के डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम डॉक्टर से मिलके आ भी जाओगी और यहाँ तुलसीपुर में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। चलें। लोगों को नहीं पता चलेगा पर डॉक्टर को तो पता चल जाएगा ना कि मैं बीमारी का नाटक कर रही हूँ अनिरुद्ध। हे तुक्का मां, मास्टर जी के आने से पहले भेज देना बिरिस्ता बाबू को, वरना मुझे तो निकालो, बाहर निकालो इसे। बिहारी, पूरा घर शुद्ध करो। अशुद्ध कर दिया इस कुकुर ने। अरे कहां मर गया, जल्दी आना। आया मालिक। अब शिव 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 शिव। त्रिलोचन काका ने मुझ पर छिड़कने को कहा है या कुकुर पर? बिहारी भूल गए, जमींदार हैं हम। जमींदार साहब, आपके ऊपर भी छिड़कना पड़ेगा क्योंकि आप भी अपवित्र हो गए हैं। उस कुकुर को हाथ में पकड़ कर। वैसे बटोक, इस कुकुर को घर में लाए कैसे तुम? अरे मुफ्त का कलेश है ये, हमारा सुख चैन नींद सब कुछ भ्रष्ट करके रख देगा ये कुकुर। जाओ जाओ, इसे बाहर लेके जाओ। अनिरुद्ध, बोंदिता के मास्टर जी आने वाले हैं ना आज, और तुमने बोंदिता से वादा किया था कि तुम उसके साथ रहोगे। नहीं नहीं, मैं बोंदिता की पढ़ाई के बीच में नहीं आने वाली, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोंदिता तो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है ना, और उसकी पढ़ाई। मिनी, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी भी ली है, तुम समझती क्यों नहीं? तुम भी मेरे लिए बोंदिता जितना ही मायने रखती हो। और वैसे भी मास्टर जी ना 3 बजे आने वाले हैं, हम उसके पहले वापस भी आ जाएंगे, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मिनी, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। बटुक, कुकुर को इस घर में लाने का दंड मिलेगा तुम्हें। ससुर जी? नहीं त्रिलोचन काका, चक्की नहीं पीसूंगा मैं। अरे चुप, लड़के चक्की पीसते हैं कभी? वो तो लड़कियों का काम होता है ना, इतना भी नहीं जानता? पर उस चक्की से पिसा हुआ आटा लड़की और लड़के दोनों खाते हैं ना काका ससुर जी? जब खाने
पिसाने में भेदभाव नहीं है तो पीसने में क्यों? फिर कुतर्क हाँ? अच्छा नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। पर क्या दंड देंगे आप बटुक को? बटुक को आज सुबह का नाश्ता नहीं दिया जाएगा। देखिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके आप उन्हें खुश रखिए, जितना हो सके आप अपना समय उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बिताइए। ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, या फिर वो नाखुश हैं आपसे? ऐसी कोई अंदरूनी ख्वाहिश जो उनकी पूरी ना हो पाई हो, ऐसा कुछ है क्या? प्यार के सपने दिखाए मुझे और पत्नी बनाए किसी और को, चले जाए अपनी पत्नी के पास। अगर है तो आप उन्हें हर वो चीज दीजिए जो उन्हें चाहिए, और कोशिश कीजिए कि उनके हिस्से की हर खुशी आप उन्हें दे पाए। मुझे लगता है कि अगर वो खुश रहेंगी तो उनकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब कोई व्यक्ति किसी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है तो उस तनाव के कारण नसों पर असर पड़ता है, और फिर आंखों से नसों तक खून कम पहुंचने से धीरे धीरे आंखों की देखने की क्षमता कम हो जाती है, और अगर ऐसा ना हुआ तो आपको उनको लेकर विलायत जाना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी बड़े टेस्ट हैं जैसे एक्सरे, एडवांस ट्रीटमेंट, वो तो सब विलायत में ही मिलेगी ना अनिरुद्ध बाबू। हमारे देश में मानसिक रोगों को महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए इस पर ज्यादा रिसर्च और इनके इलाज दोनों की ही कमी है यहाँ। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि एक अच्छे पति होने के नाते आप उन्हें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रेम कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर पत्नी का रोग अगर मन से है तो सिर्फ पति का एक प्यार ही है जो उसे ठीक कर सकता है। डॉक्टर साहब एक मिनट, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। सौदामिनी मेरी पत्नी नहीं है, बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी। लेकिन सौदामिनी जी ने तो कहा था कि अनिरुद्ध हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा, भूल गए मौनिता की क्लास शुरू होने वाली है, और याद है ना हम देरी से नहीं पहुँच सकते वहाँ। हाँ मेरी बस एक मिनट डॉक्टर, एक पल भी नहीं, बंधुता की क्लास शुरू होने वाली है, मास्टर जी आ गए होंगे, चलो जल्दी से। और तुम्हें पता है ना मेरी वजह से अगर तुम देर से पहुंचे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चलो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट, चलो। सौदामिनी जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अनिरुद्ध बाबू उनके पति है? डॉक्टर को तो संभाल लिया मैंने, अब देखो मेरे खेल की अगली चाल में रुको, देखना कैसे मैं तुम्हें किसी भी हालत में बौद्धता की क्लास के समय पे नहीं पहुंचने दूंगी। आज तुम्हारा बौद्धता को दिया हुआ वादा टूट कर ही रहेगा। पता है तुम्हें वादा किया था पति बाबू ने कि आज मेरे साथ बैठेंगे मेरे पढ़ने के समय में, कहीं मास्टर जी ना आ जाए इनके आने से पहले।